लोकसभा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से गाजियाबाद लोकसभा सीट है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद यहां पहली बार लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ। 2009 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराया। इस लोकसभा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद। इस लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गाजियाबाद जिले के अंतर्गत लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर, जबकि हापुड़ जिले के अंतर्गत धौलाना विधानसभा शामिल है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने धौलाना सीट पर जीत दर्ज की। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की जगह जनरल वीके सिंह को चुनाव लड़ाया गया और राजनाथ सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ सीट दी गई। जनरल वीके सिंह ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को 5,00,000 से अधिक वोटों से हराया। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट पर कुल 27,15,871 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,13,963 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 12,01,705 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 203 है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो इस सीट पर सेना से रिटायर होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले जनरल विजय कुमार सिंह को 7,58,482 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के राज बब्बर को 1,91,222 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के मुकुल को 1,73,085 वोट मिले थे। साल 2009 की बात करें तो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस सीट से विजयी रहे, जिन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट से पहले सांसद बने। राजनाथ सिंह को 3,59,637 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 2,68,956 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के पंडित अमर को 1,80,285 वोट मिले।